वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज सुष्मिता पाठक। कैसे हैं आप सब? होप्सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज हम निकल चुके हैं ओमकारेश्वर के लिए और सुबह 5:30 बजे हम स्टेशन से निकल चुके थे। हमने गाड़ी बुक की थी और हमारा टारगेट ये था कि हमें आज ही ओमकारेश्वर के दर्शन भी करने और आज ही शाम की हमारी ट्रेन है जिससे कि हम मुंबई भी निकल सकें, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग कम था। 2 दिन का हमने ट्रिप बनाया था। तो जो लास्ट व्लॉग था वो आपने अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता दूँ, हमने जस्ट 1 दिन पहले यहाँ पर आए थे और महाकाल में रुके भी थे, और उससे रिलेटेड जो भी व्लॉग है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो तो वहाँ भी मिल जाएगा। मैंने महाकाल से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बताई है वहाँ पे। तो अभी रास्ते में ही आते वक्त ही बहुत ही शानदार सा जो है रेस्टोरेंट पड़ता है जहाँ पर हम थोड़ा सा रुके थे, तो कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह हमने किया, बिकॉज हम सुबह सुबह ही निकल चुके थे, हमें टाइम नहीं मिला था। और अभी हम निकल चुके हैं वापस से ओमकारेश्वर के लिए। तो यहाँ पर मैं पहले भी आ चुकी हूँ, आई थिंक 8 to 9 months पहले मैं अपनी सिस्टर के साथ भी आई थी। तो जब आप ओमकारेश्वर आते हो ना, तो यहाँ आने के लिए एक्चुअली आपको दो रास्ते हैं। तो ये इस बार मैं दूसरे रास्ते से आ रही हूँ, इसलिए मैं एक बार मेंशन करना चाहूँगी आपको कि जब आप यहाँ आते हैं तो एक यहाँ पे प्रवेश द्वार लिखा हुआ है, एक तो ये रास्ता है, और एक कहीं नीचे से भी जाता है जो कि एक मंदिर है ममलेश्वर, आपको वहाँ से भी आने का रास्ता मिलता है। बट ममलेश्वर से क्या होता है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि इधर से रास्ता नहीं है और वो बोलते हैं कि बोट से आप जाइए, तो ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है और हमें भी कन्फ्यूज़ किया गया था। सो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की वजह से हम भी बोट से ही गए थे, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ आते हैं तो ये आपको सीधा सीधा रास्ता दिख रहा है, ये है आपको सीधा ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए है, और उसके जो दूसरे साइड में रास्ता जाता है वो है ममलेश्वर मंदिर के लिए। तो आपको कहीं भी बोट करना ऐसा कंपल्सरी नहीं है, वो खाली बोट वाले झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप चाहो तो आराम से पैदल जो है जा सकते हो, ज़्यादा दूर भी नहीं है, 600-700 meters से ज़्यादा दूर है ही नहीं कोई भी चीज़ यहाँ पर, तो आप ईजिली यहाँ पर वॉक करके भी जा सकते हो। आइए स्पीड में आइए, आ रहे हैं। तो अभी हमने दर्शन कर लिए ओमकारेश्वर के लिए, और इसी पुल से हम आगे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा ममलेश्वर महादेव का मंदिर। तो ये रहा रास्ता जिधर से हम आए थे, और इधर से राइट साइड मुड़ेंगे तो हम जाएंगे ममलेश्वर मंदिर की तरफ, और लेफ्ट मुड़ेंगे तो हम निकल जाएंगे बाहर की तरफ। तो ये है वो चौराहा जहाँ से ये ममलेश्वर के लिए जाता है, और ये जो झूला ये जाता है ओमकारेश्वर के लिए। सो दिस इज़ द सेकेंड टाइम जब मैं यहाँ पर आ रही हूँ, और इस बार मुझे रास्ते समझ में आए हैं, फाइनली इस बार समझ आए। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमें बहुत ही घुमावदार रास्ता मिला, तो आज की मेरी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे आपको यहाँ पे आना और क्या क्या चीज़ें करनी है। मैंने भी कष्टकारी है, मैंने बोला सब सही है, चलिए ऊपर। हमारे घर से निकल के बाद खाने में जाके मिलते उसको परिक्रमा शुरू हो जाए, नगरा परिक्रमा हो जाए। पानी पानी आता है, महिला पानी है जो महिला करते हैं, इसको
तो यहाँ पर मैंने देखा है बोटिंग को लेके बहुत ज़्यादा ठगते हैं। एक मानती हूँ किसी की रोजी रोटी चलती है, बट अगर आप ज़्यादा लेते हो तो वो भी गलत है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये ममलेश्वर मंदिर से उठाते हैं, एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं, दूसरी साइड से इस साइड लाते हैं। और ममलेश्वर मंदिर पे ही जो एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जो कि अभी हमने दर्शन किया, आप अभी देखोगे, तो बस उसको इंक्लूड किया है। तो दैट मीन्स कि आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं, 600-700, मतलब आप प्राइस अगर वहाँ देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल भी बोर्ड से मत जाइए। और आप वहाँ पे पैदल जा सकते हैं, पैदल जाने का रास्ता जस्ट उसी के ऊपर से है और बहुत इजीली आप पहुँच सकते हैं, आपको अपना पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो अभी हो गए हमारे दर्शन और यहाँ से हम निकल रहे हैं ओंकारेश्वर से। यहाँ से हमारी जो ट्रेन है वो है इंदौर से, तो हम यहाँ से निकलेंगे अभी, आई थिंक 1 बज रहे हैं। यहाँ से कुछ खाए पियेंगे और खा पी करके निकलेंगे। तो यहाँ अगर आप आते हैं तो यहाँ से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको पहले एक बार देखा जरूर कीजिए, बिकॉज कई बार होता है कि लोग ठग जाते हैं। हम भी आए, आज हमारे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बता चुकी हूँ, बट फिर से बताऊंगी। कहीं भी जाइए, वहाँ के ब्लॉग जरूर देखिए, आपको कई चीज़ें पता चलती हैं। और मैंने खुद यहाँ पर 1100 अपने बचाए हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि बेवकूफ़ मत बनिएगा और वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय। धन्यवाद।